ठीक है। इसके बाद रेडियल पार्टिंग की है, ठीक है। इसके बाद हमने लेना है एक हाफ मून सेक्शन, यहाँ से टू फिंगर गैप छोड़ के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, हेयर स्प्रे भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कुछ स्प्रेज होते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड होती है, कुछ स्प्रे होते हैं जिनका लाइट होल्ड होता है, ठीक है। तो हम लाइट होल्ड के लिए जो स्ट्रॉन्ग मतलब लाइट होल्ड के लिए जो स्प्रे यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं ताकि हम मतलब नॉर्मल होल्डिंग कर सके, शॉर्ट बेबी हेयर्स के लिए उनके लिए करते हैं। और जब हम स्ट्रॉन्ग होल्ड यूज करते हैं उसमें हम फ्लेयर्स के लिए या लाइक हमें जब कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करना है, वेव क्रिएट करनी है, उसमें हम स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे यूज करते हैं, ठीक है। जितना हमारा नंबर बढ़ता है उतना हमारा स्ट्रॉन्ग बढ़ता है होल्ड, ठीक है। अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग नंबर्स के हिसाब से होल्ड होते हैं। हम जो यहाँ पे ब्रांड्स यूज करते हैं दैट इज श्वार्ज़कॉफ, ठीक है। इसके अलावा नोवा आप कंज्यूमर रेंज नॉर्मल रेंज में यूज कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे जो यूज करते हैं दैट इज टाफ्ट का ब्रांड, श्वार्ज़कॉफ का ब्रांड है। ये जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज 5 नंबर, ठीक है। इससे ज्यादा आप होल्ड देखोगे दैट इज 5+, इससे कम वाले भी आते हैं और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा यही आता है 5+, इससे कम और आते हैं 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। वो जितना कम होता है उतना लाइट होल्ड देता है, जितना ज्यादा होता है उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है, ठीक है। रबर बैंड की हेल्प से हमने लूप बनाया है, ठीक है। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, इससे पोनी बना रहे हैं, ठीक है। मैंने पोनी को थोड़ा डाउन ही बनाया है क्योंकि मुझे बन थोड़ा डाउन बनाना है, लो बन बनाना है। पोनी क्रिएट करने के बाद अब हम यहां से लेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शंस। हाँ जी, कोई दिक्कत? एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके हमने शुरू करनी है बैक कॉम्बिंग, ठीक है। और इसको हमने करना है रूट्स तक टच। ठीक है, कई बारी क्या होता है कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनका स्कैल्प ज्यादा ग्रीसी ऑयली होता है, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनके स्कैल्प पे बाउंस नहीं आ पाता, तो उसके लिए हम ये पाउडर यूज करते हैं दैट इज डस्टेड। क्या होता है, ये वॉल्यूमाइजिंग पाउडर होता है जो स्कैल्प में बाउंस देने का काम करता है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, लाइक कैरम पाउडर की तरह दिखता है ये, ठीक है। इसको आपको सिर्फ डस्ट करना है और रब करना है, ठीक है। तो ये डिजोल्व हो जाता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, ये व्हाइट कलर का दिखता है वैसे, फिर ये डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करता है। लाइट हैंड से सरफेस को नीट करना है, ठीक है। बैक कॉम्बिंग खोलनी नहीं है हमें, सिर्फ नीट करना है। हमारा जो पफ है वो फ्रंट पे थोड़ा कम दिखेगा, बैक की तरफ ज्यादा दिखेगा क्योंकि हमने बैक पफ बनाया है, फ्रंट पफ नहीं, ठीक है। ठीक है, कॉम्ब को वर्टिकली नहीं चलाना है, हॉरिजॉन्टली चलाना है, ऐसे लिटा के, ठीक है। अगर खड़ा करके चलाओगे तो सारी बैक कॉम्बिंग खुल जाएगी। अभी मैंने, ठीक है, सरफेस नीट हो गया पूरा, बैक कॉम्बिंग भी नहीं दिख रही है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों साइड से होल्ड करेंगे हम और यहाँ पे लाइट हैंड से हम यू पिन से टच करेंगे। एक टेम्पररी होल्ड दिया है मैंने, यहाँ पे हमने टेम्पररी होल्ड किया है,
क्योंकि अभी हम इसमें लाइंस क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम इसे परमानेंट बॉब पिन से लॉक करेंगे। अभी यू पिन के साथ टेम्प्रेरी लॉक किया है ताकि हम जो पुलिंग टेक्निक यूज करने वाले हैं उसको इजीली पुल हो जाए। अगर हम डायरेक्ट बॉब पिन से लॉक करके फिर पुल करेंगे तो वो नहीं होगा, वो टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पुलिंग करनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पफ बनाने के बाद फिर स्प्रे करके नीट कर देते हैं, फिर लाइन निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक बार स्प्रे हो गया वो होल्ड हो गया, स्टिक हो गया, फिर वो लाइन आना नहीं है, पहले इसको लॉक करना है। ठीक है, फिर एक यू पिन हटाई हमने, इसका फेस शेप कैसा है, फोरहेड कैसा है, उस अकॉर्डिंग आप उनको पार्टिंग दोगे। ठीक है, अगर आप मिड पार्टिंग दे रहे हो तो तब दोगे जब वो मिड पार्टिंग उन पे सूट कर रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्लाइंट अगर नहीं बोल रहा है तो आप अपनी मर्जी से भी ऐसा कर दो जो उन पे सूट ना करे। क्लाइंट के फेस शेप के अकॉर्डिंग सूट करना चाहिए जो भी पार्टिंग आप देने वाले हो। ठीक है, इसको होल्ड किया पीछे ले जाके और यहाँ पे स्लाइड देना है, हल्का सा, देख रहे हो, हल्का सा स्लाइड देना है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा, एक नॉर्मल स्लाइड देना है। इनका हाफ ईयर कवर होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ से एक नॉर्मल ट्विस्ट दिया और यहाँ पे हम फोल्ड कर देंगे। करो तो अभी सीखो तो छोटा ही हो। ठीक है, अपना नाम कर राजस्थान में, वहाँ पे किसी लड़की को बाहर नहीं जाने, रास्ता बहुत बड़ा है, हाँ, नहीं बहुत कम लड़कियों को बाहर निकलता है, वरना नहीं खेलता, रास्ता बहुत बड़ा है, यहाँ से आने के लिए मेरी मम्मी ने भी मुझे मना कर दिया, नहीं दी। क्या हो गया, दिख नहीं रहा, कॉम किया इसे। ठीक है, इनवर्ड बैक कॉम करना है, बहुत लाइट। स्प्रे करेंगे स्प्रे करके इसे नीट करना है।
वैकोमिंग नहीं खोलनी है, बस नीट करेंगे सेक्शन। बाद में पिन दे देना अगर किस्मत अच्छी रही पिन की तो। आज पूरा नोएडा NCR पूरा घूमने आई से। इनमें इतना पावर है कि पतीला बना देंगी। गजब।
ओके गाइस डन नाइस यस मैम वेरी नाइस अच्छे बना होगा बना हुआ है मैंने नहीं देखा ना यार एक मिनट रुक जाओ थैंक यू मैम